अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को महज 6 दिन बाकी है, जिसे लेकर पीएम मोदी 11 जनवरी से 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज मंगलवार को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे और वर्षों पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी वीरभद्र मंदिर में राम की भक्ति में डूबे श्री राम जय राम भजन गाते दिखे। बता दें कि लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर करीब 486 साल पुराना है। मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा जमीन से जुड़ा नहीं है, वो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। रामायण में भी इस इलाके का खास महत्व है। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था तो उससे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर यहीं गिर पड़ा था। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। यानी श्री राम से जुड़ी जगहों और मंदिरों में पीएम मोदी लगातार पूजा पाठ कर अपने विशेष अनुष्ठान में जुटे हुए हैं, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के मंदिरों से की है, पहले नासिक और अब लेपाक्षी। लेकिन राजनीति के जानकार इसे केवल आस्था से ही जोड़कर नहीं देख रहे हैं, बल्कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का मिशन साउथ भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर से ध्यान दे रही है। दरअसल विपक्ष की मौजूदगी उत्तर की बजाय दक्षिण भारत में ज्यादा है। इसकी काट निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साउथ इंडिया के दौरे पर हैं। लोकसभा के साथ साथ इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी की इस पूजा अर्चना को आस्था के साथ राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले 13 जनवरी को ही पीएम ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के यहाँ पोंगल त्योहार मनाया था। वैसे केंद्रीय मंत्री मुरुगन तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने जिस गाय को चारा खिलाया था उसकी जड़ें आंध्र प्रदेश से जुड़ी है। यानी आस्था के साथ ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी दक्षिण में राजनीति मिशन पर है। बहरहाल राम नाम से पीएम मोदी ने उत्तर को साध लिया है, लेकिन अब देखना है कि बीजेपी राम नाम से दक्षिण का सियासी रण जीत पाती है या नहीं।